नमस्कार दोस्तों, मैं धनान सैनी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टाटा एस गाड़ी के टाइमिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमने नीचे ही इंजन तैयार कर लिया है जो आप देख रहे हो। अब मैं इसमें टाइमिंग कहाँ कहाँ लॉक होती है और कैसे कैसे लॉक होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अपन 5 की एलंकी को क्रेन के अंदर फिट करेंगे। तो जो ये फिट क्रेन में टाइमिंग लगेगी, ये लगेगी यहाँ फिल्टर के पास में, पीछे यहाँ एक छेद आता है उसमें ये फिट हो गई। उसके बाद में यहाँ से अपन घुमाएंगे इसको और ये टॉप पे आके खुद ही लॉक हो जाएगी। जब ये लॉक होगी तब पहला पिस्टन टॉप पे रहेगा, अपने टाइमिंग पे आ जाएगा। ये लॉक हो गई। अब फिर दूसरी लॉक की पोजीशन है जो पंप की पुली है, इसको 17 नंबर की, थोड़ा सा दूर रखो तो सही भी दिखेगा ना, 17 नंबर की चूड़ी का कोई भी बोल्ट हो उससे लॉक करेंगे। इसमें भी एक छेद आता है और जो पीछे प्लेट है उसमें भी एक, इसके जस्ट सामने छेद है। तो ये लॉक हो गई, इसको कैसे भी घुमा के और यहाँ ला के इसको लॉक कर दो। ये लॉक हो गई। फिर तीसरी है जो कैम है उसको लॉक करने के लिए यहाँ से इसकी 2 नंबर की कैप, कैम की पीछे वाली कैप खोलनी पड़ेगी। ये कैप खोली। अब इसके अंदर 3 छेद आते हैं, एक तो आर पार आता है उसमें ये पाना बैठ जाएगा, और तो पाना बिल्कुल फ्री होना चाहिए और चाबी होनी चाहिए 18x19 की। और जो एक ये आधा कट है ये आर पार नहीं है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये अपनी टाइमिंग लॉक हो गई। अब लगाएंगे इसमें बेल्ट। बेल्ट के लिए एक तो बेरिंग लगा हुआ है अपने पास, दूसरा टाइमिंग बेरिंग लगाना है। ये जो टाइमिंग बेरिंग है ये एडजस्टर बेरिंग है, इसको पहले से फुल टाइट मत रखो, इसको लूज रखो। बेल्ट टाटा की लगा रहे हैं। बेल्ट यहाँ से अपन ने फिट कर दी नीचे, पहले क्रेन के अंदर। क्रेन में हाथ घुमा के देख ले कि दांतों में बिल्कुल फिट हुई या नहीं हुई। उसके बाद में इसको यहाँ से चढ़ाया। अब इसको टाइट रखो इस वाले मुँह को और इधर से घुमा के, अब ये है ना जो कभी भी ऊपर लेके नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ नीचे बिल्कुल सिद्ध में होना चाहिए बोल्ट जो अपने लॉक किया है वो, और वहाँ इसको लॉक कर दो। ये बेल्ट इस पर चढ़ गई। अब आ गई कैम पे, तो कैम पे हल्का सा उकसुक होता है हमेशा, तो उसके लिए इसको इधर नहीं घुमाना चाहिए, पंप की तरफ घुमा के और फिर लॉक करनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा लूज है। ये आ गई, तो इसको कैम की तरफ अगर पंप की तरफ दबा के रखोगे ना तो टाइमिंग ओके सेट होगी, क्योंकि 19-20 दांत आउट तो चल जाता है। उसके बाद में यहाँ से इसको एक बार फुल जोर दबाव लगाओ, फिर हल्का सा लूज छोड़ के और फिर टाइट कर दो। इसमें हल्की सी प्लेयर होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ये अपनी टाइमिंग लॉक वापस, टाइमिंग फिट कर दी है। अब जो अपन ने जहाँ जहाँ लॉक किया था वो लॉक हटाते हैं। ये पाना भी हटा दिया। यहाँ से 5 की जो एलन की लगाई थी ऑयल फिल्टर के पास में, ये भी निकाल लेते हैं। अब पहले सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि कहीं वाल थोड़ी अंदर टकरा रहे हैं, तो पहले घुमाते हैं अपन टाइमिंग। ये 18x19 का पाना कैम में लगाएंगे, घुमाएंगे तो अगर ये आराम से घूम रही तो टाइमिंग ओके है। पर बिल्कुल ओके है या नहीं है ये तो कम्प्लीट स्टार्ट होने के बाद में लगेगी, लेकिन आप इस तरह से अगर टाइमिंग को
फिट करते हो तो 100% टाइमिंग ओके रहेगी, कोई भी आपको चैलेंज करने वाला नहीं है। आप सभी को पता है मेरा चैनल नया है, तो आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और उससे मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूं, मेरे को उत्साहवर्धन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।